बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि काम फाइनली शुरू हो गया है, डांस गाने के ऑडिशंस होने वाले हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल द कंटेस्टेंट्स. हमारा शो एक में भी शो है जिसपे जनरेशन 3 होती है रियलिटी शोज में, और ये जनरेशन 3 को देखने भी मैं बहुत उतावली हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डांसिंग यू नो आफ्टर सर्टेन एज इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन जब से डांस दीवाने सीजन 1 आया है तब से बहुत से लोग वापस जा रहे हैं डांसिंग से और उनको देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ. और इस बार हमारे एक जज चेंज हो चुके हैं, धर्मेश आने वाले हैं और राघव होस्टिंग करने वाले हैं, दोनों ही बेहतरीन डांसर्स हैं और हम सब चारों जो तीन जजेस और एक होस्ट जो है वो सब डांस दीवाने हैं. और इस बार डांस दीवाने में और एक बदलाव है कि सिंगल और डुओज नहीं सिर्फ ट्रियोज भी होंगे, ग्रुप्स भी परफॉर्म करने वाले हैं, तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. बहुत इतनी मस्ती करते थे कि जब भी अर्जुन जाता था डांस करने के लिए वो हमेशा राखी का गाना बजाते थे. तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू मिस दैट, शशांक, बिकॉज हम लोग हमेशा मूवीज के बारे में डिस्कस करते थे, स्क्रिप्ट्स और क्या हो रहा है, कौन सा गाना अच्छा है, लेटेस्ट गाना कौन सा अच्छा है, ये सब. तो आई एम गोइंग टू मिस ऑल दैट. एक तो वो कितनी समझ है डांस की, क्योंकि डांस बॉडी से होता है लेकिन फेस से भी डांस होता है, और वो कितना समझ है कि कौन से मूवमेंट में कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कब उसे सॉफ्ट करना है, कब उसे लाउड करना है, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करती है एक अच्छे परफॉर्मेंस को. और कभी कभी एक एक्स फैक्टर होता है जो हम बता नहीं सकते कि क्यों ये डांस बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो एक्स फैक्टर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. बस ऑडिशन होने वाले हैं और यहाँ पे हमने सोशल बबल बनाया हुआ है, सब टेस्टेड होंगे कोविड के लिए और मतलब पूरे प्रिकॉशंस लेके हम लोग ये सब कर रहे हैं. तो आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग. बस कभी कभी क्या होता है कि जब मैं डांस दीवाने पे जाती हूँ, बैठती हूँ, कोई कंटेस्टेंट आता है वो डांस करता है तो पता चलता है कि तो फिर उस स्टाइल के बारे में हम इंक्वायर करते हैं कि क्या स्टाइल है ये और कैसे कहाँ से आई. तो कभी कभी सरप्राइजेस भी मिलते हैं सर. हमें मैंने बहुत कुछ किया है इस लॉकडाउन में, ऐसे ही किया, जैसे कुकिंग बहुत सारी की, मेरे बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, साथ एज अ फैमिली हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, लोगों के लिए बहुत कुछ किया, एक अपॉर्चुनिटी मिली इस बार जो ऑनलाइन अकेडमी डांस की थी उसके थ्रू भी हमने बहुत सारी क्लासेस लिए ताकि लोग एंगेज रहें, उन्हें करने के लिए कुछ मिले, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू डूइंग डांस और लर्निंग अ डांस. बहुत सारे फ्री क्लासेस किए हमने उस पर, और मैंने एक गाना रिलीज किया अपना जो इंग्लिश में मैंने गाया था और वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को आई हैड डेडिकेटेड इट. आई एम सो प्राउड ऑफ देम ऐसे मुश्किल मौके में अपने घर वालों से दूर रह के, उन्होंने बच्चों से दूर रह के, छोटे छोटे बच्चों से दूर रह के अपनी जान पर खेल कर उन्होंने सबके लिए किया, तो उनके लिए किया था. और तो ऐसे मैंने बहुत सारा कुछ किया था. मैं चाहती हूँ इस बार मैं कुछ अलग क्या कहते उसको अलग स्टाइल्स पहनूँ, कुछ साड़ीज हो या चाहे वो घाघरा हो या कुछ भी हो, कि थोड़ा सा उसमें कुछ अलग सा कुछ पेश करूँ. बस यही कहूंगी कि प्लीज आप डांस विद सदा, प्लीज आप डांस दीवाने सीजन 3 जरूर देखें,
क्योंकि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. ग्रुप्स भी होने वाले हैं, इंडिविजुअल्स, डुओज, ट्रियोज और जनरेशन 1, 2 और 3 भी है, और 3 भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस बार. सो प्लीज़ आप सब घर के लोग हैं, जो छोटे बच्चे से लेके जो नाना नानी है, दादा दादी है, सब आप देखिए हमारा शो, आप बहुत एंजॉय करेंगे. अच्छा लास्ट मैम, नो नो थैंक यू सो मच, नो 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 एक्सप्रेशंस मैम, अगर कुछ कहना हो बस लास्ट. अरे Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.